अदालती हुक्म के बाद नसला टावर केस की तहकीकात में तेजी, पुलिस और एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की दौड़े लग गई। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में पुलिस तफ्तीशी टीम एसबीसीए के दफ्तर पहुंची, मुख्तलिफ शोबों में अफसरान से पूछगछ की लेकिन कोई गिरफ्तारी ना हुई। पुलिस के बाद एंटी करप्शन की टीम भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर आ गई। ग्रुप्स जो पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद अनाउंस कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जिहाद अनाउंस कर रहे हैं, उनको आप बहाल करना चाह रहे हैं, उनको आप तस्लीम करके उनको मेन स्ट्रीम करना चाह रहे हैं, तो बताएं कौन सी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है जो इकोनॉमिकली सेंटर्ड है? IMF उसको चलाएगा। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। शहरी रहमान ने कई सवालात उठा दिए, कहा एक तरफ ये कागज़ की पॉलिसी लाएंगे, दूसरी तरफ बताएंगे कि मुल्क IMF को गिरवी रखवा दिया। हमारे लिए ज़िंदगी और मौत के फैसले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी से मुंसलिक हैं। हमें बताया गया मुआशी सिक्योरिटी पॉलिसी का महवर होगी, हमें इन्हिराफ नहीं, लेकिन पार्लियामेंट में पॉलिसी क्यों ना लाई गई? कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने जवाब देना शुरू किया तो अपोजिशन ने हंगामा कर दिया। सबसे ज्यादा भीख मांगने वाले, सबसे ज्यादा मिन्नतें करने वाले और सबसे ज्यादा बैन अल-अक़वामी साम्राज्य की। मेरी गुजारिश है कि अपोजिशन के अरकान अपने निशस्तों से एहतजाज करें, अपने निशस्तों में चले जाएं। साम्राज्य की खिदमत करने वाले ये लोग हैं। कोरोना केसेस में इजाफा, सऊदी अरब में मास्क पहनने और सामाजिक फासला इख्तियार करने की पाबंदी दोबारा आयद, फैसले का इतलाक 30 दिसंबर से होगा, मास्क ना पहनने पर जुर्माना होगा। भारत की सिंतास मुहैदे की खिलाफ वर्जियां, पाकिस्तान ने एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। इंडस वाटर कमीशन के मुताबिक भारत दरियाए सिंध पर 6 मुतनाज़े मंसूबे बना रहा है। इंडस वाटर कमीशन का आइंदा इजलास मार्च में पाकिस्तान में होगा। और कौन होगा बेहतरीन खिलाड़ी, जोस बटलर, हसारंगा, मिचेल मार्श या फिर मोहम्मद रिजवान? ICC ने मेन T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के 4 क्रिकेटर्स नामजद कर दिए। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की दौड़ में पाकिस्तान की फातिमा सना भी शामिल।